बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाणसागर जी महाराज की परम पूज्य सागर जी महाराज की। मैं देख रहा हूं आज आप लोग बड़े प्रमोदित नजर आ रहे हैं, खुश हो कि नहीं हो? और ये खुशी आप लोगों में ही नहीं, यहाँ आने तक प्रकृति भी मेहरबान थी। सवाल है ये खुशी क्यों? आप लोग खुश हो ना, हो कि नहीं? क्यों खुश हो? हाँ थोड़ा जोर से तो बोलो। महाराज आ गए इसलिए खुश है ना? महाराज आ गए इसलिए खुश हैं। मैं आपसे कहता हूं हमारे जीवन में जब भी कुछ जुड़ता है हमें खुशी होती है, और हमारे साथ जो जुड़ाव होता है वो भौतिक भी होता है और धार्मिक और आध्यात्मिक भी होता है। भौतिक चीज़ों के लाभ से जो खुशी होती है वो आध्यात्मिक धार्मिक या भावनात्मक उपलब्धियों की अपेक्षा बहुत छोटी होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी आप जितने खुश हो दुकान धंधे और घर परिवार की किसी उपलब्धि से वैसी खुशी होती है क्या? महाराज दुकान का तो मोह छोड़ करके बैठे हैं, और हमने तो अपने बहुत सारे रिश्तेदारियों के कार्यक्रम भी स्थगित कर रखे हैं। हमें यहाँ खुशी है, सवाल खुशी क्यों? चार बातें आज आप सबसे कहूंगा। योग प्रयोग प्रेरणा पुरस्कार, ये चारों शब्द आप सबके जाने पहचाने हैं। इनके गहराई में उतरने की जरूरत है। योग, योग का मतलब क्या है? योग किसको बोलते हैं? मिलान, मिलना, उपलब्धि। अपने जीवन को पलट करके देखें तो आप पाएंगे कि हमारे जीवन में उत्तमोत्तम योग जुड़े हैं। जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? थोड़ा सा पीछे चलता हूँ ताकि बातें और समझ में आ जाए। हमें जन्म मिला, जीवन मिला, अच्छा शरीर मिला, माँ बाप के अच्छे संस्कार, अच्छा परिवार मिला, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छे पढ़ लिख गए, धन संपन्नता मिली, ये सब योग है कि नहीं है? हैं? सड़क चलते हमें बहुत से ऐसे लोग दिखते हैं जो अनाथालयों में पल रहे होते हैं। सड़क चलो तो तुम्हें बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनका शरीर ही अपंग है, जिसे आजकल दिव्यांग कहते हैं, अपाहिज है, पराश्रित है, जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है, जिनको रहने के लिए घर भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, खाने के लिए अन्न भी नहीं है। थोड़ी देर सोचो, यदि इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? इस अर्थ में मैं कितना भाग्यशाली हूँ, हूँ कि नहीं? महसूस करते हो अपने आप को? इतना ही नहीं,
मेरा अच्छा भरा परिवार है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं। दुनिया में तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी सुबह से लेकर रात तक केवल लड़ाई ही चलती रहती है, शराब पीना, आपस में झगड़ा करना, माथा फोड़ी करना। सड़क चलते आपको ऐसे लोग भी नज़र आ जाएंगे, लेकिन आप ऐसे लोग नहीं हैं। बहुत सारे बुद्धिहीन, विक्षिप्त, पागल, अर्ध विक्षिप्त लोग हमें नज़र आते हैं, पर आज आप पूरी तरह बुद्धिमान, विवेक युक्त व्यक्ति की श्रेणी में गिने जाते हो। तुम्हारे पास सब प्रकार की अनुकूलताएं हैं, ये योग है कि नहीं बोलो? सब प्लस प्लस है ना? है, योग मिलना दुर्लभ है, लेकिन आप सब भाग्यशालियों में हो कि आप सबको ये सारा योग मिल चुका है। अब योग के बाद है प्रयोग। प्रयोग क्या कर रहे हैं? मुझे योग तो मिला, पर मैंने प्रयोग क्या किया? महत्वपूर्ण यह है, किसी को अच्छा अवसर मिला और वो उसका लाभ ना उठाए तो उसे आप क्या कहेंगे? गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उसने फायदा नहीं उठाया, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे? थोड़ा बताओ तो। अनलकी, ये तो थोड़ा संस्कारी शब्द बोल दिया, अभागा, बेवकूफ, मूर्ख, नादान, पागल, और क्या बोलोगे? थोड़ा देखो तो, ऐसा आदमी हमारे भीतर तो नहीं बैठा हुआ? जो अच्छे संयोग का भी अच्छा प्रयोग ना कर सके, उससे अभागा इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं है। मूल्यांकन करके देखिए, मुझे कैसा दुर्लभ योग मिला है, अब मुझे उसका क्या करना है? प्रयोग करना है। लौकिक क्षेत्र में तुम्हें कोई अच्छा अवसर मिलता है, तुम उसे पूरा उसका फायदा उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, छूट जाए तो पछताते हो। संत कहते हैं, कदाचित लौकिक क्षेत्र में तुम किसी अवसर का फायदा उठाने से चूक जाओ तो भी उतनी हानि नहीं, क्योंकि वैसे अवसर अक्सर मिलते रहते हैं, पर पारमार्थिक क्षेत्र में आए अवसर का लाभ नहीं उठाया तो फिर तुम हाथ ही मलते रहोगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। अभी बहुत अच्छा योग आप लोगों के पास आया है। कौन सा योग आया? थोड़ा जोर से तो बोलो। पंच कल्याणक, और कोरा पंच कल्याणक नहीं। जब मैं पहली बार आया था तब एक कांग्रेस मैदान की स्थिति कुछ और थी, भावना आप लोगों के मंदिर के निर्माण की थी, यहाँ शिलान्यास करा के गया था, तब आप लोगों की भावना थी महाराज प्रतिष्ठा आपके ही सानिध्य में हो। मैंने कहा देखूंगा, होगा तो हो जाएगा, योग होगा तो होगा। मंदिर यहाँ की कमेटी ने बहुत तत्परता के साथ बहुत भव्य बनाया। आज मंदिर का दर्शन करके मन गदगद हो गया, जैसा सोचा था उससे अच्छा मंदिर बन गया। बहुत प्रयास किए ये लोग मेरे पास, उन दिनों में राजस्थान में था, बार बार ये लोग गाड़ियाँ भर भर के, ये चौकड़ी पचकड़ी आती थी, बैठी, महाराज प्रतिष्ठा में चलना है, चलना है, चलना है, पर मेरा कोई दिख नहीं रहा था कि मैं जल्दी पहुंच पाऊंगा, योग नहीं था। तो मैंने ही कहा, भैया अब मेरे भरोसे कब तक बैठोगे? मंदिर बन गया है तो भगवान को तो पधरा ही दो। पर मुझे क्या मालूम कि मेरा योग कुछ और था। इस मंदिर के पंच कल्याणक के लिए भले हमारा आने का योग नहीं बना, पर
जो पाटलिपुत्र के मंदिर के पंचकल्याणा का योग है वह इसी का ही एक योग समझना चाहिए। देखो ये तो पटना का एक्सटेंशन है, असली पटना तो ये नहीं है ना। पटना एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक नगरी रही है। आप सबको पटना का इतिहास तो अच्छे से पता होगा। पटना तो आज बोलते हो, है तो ये पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र पटना कब बन गया मुझे नहीं मालूम, पर इतना तो दिखता पटना वाले पटाने में माहिर हैं। तो ये पाटलिपुत्र एक सांस्कृतिक नगरी रही है, मगध की राजधानी यहाँ रही। सुदर्शन मुनिराज का निर्वाण यहाँ हुआ। एक जमाने में यहाँ जैनों का बाहुल हुआ करता था, हजारों की तादाद में मुनियों का यहाँ विचरण हुआ करता था। वो पाटलिपुत्र तो वही थी जहाँ हम कल थे। आज ये योग बना है, अब इस योग का प्रयोग करना है। पंच कल्याणक एक अवसर के रूप में तुम्हारे द्वार आया है, अब फायदा तुम्हें उठाना है। क्या करना है, पंच कल्याणक में शामिल होना है या पंच कल्याणक में भागीदार बनना है, तय तुम्हें करना है। पंच कल्याणक में शामिल होने वाले लोग तो दूर दराज के भी आएंगे, दर्शक दीर्घा में बैठेंगे, थोड़े बहुत कार्यक्रम करेंगे और चल देंगे। लेकिन जो पंच कल्याणक में भागीदार होंगे उन्हें भगवान की प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये साधारण योग नहीं है, दुर्लभ योग है। इसमें ज्यादा सोचना विचारना मत, क्योंकि सोचने विचारने वाले तो सोचते ही रह जाते हैं। और अपने नगर में होने वाली प्रतिष्ठा में जो भाग नहीं ले पाया वो परगांव में जाके क्या लेगा। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का मानस बना लीजिए। मुझे ये सुअवसर मिला है, इसका मुझे लाभ लेना है, क्योंकि ऐसे अवसर बहुत दुर्लभ होते हैं। भगवान के पंच कल्याणक जब भगवान साक्षात होते हैं ना, तो भगवान के पांचों कल्याणक में शामिल होने का सौभाग्य किसी को इस धरती पे नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भगवान के पांचों कल्याणक में वो ही भागीदार हो पाएगा जो भगवान से ज़्यादा उम्र लेके आएगा। उनके गर्भ में आने के पहले कम से कम 8 बरस का हो गया हो, और उनके मोक्ष जाने के बाद यहाँ से विदा हो और छाया की तरह भगवान के पीछे चलता हो। कब उनको दीक्षा तक तो चलो गांव में हो गया, बाकी कब इनको केवल ज्ञान हुआ, कब इनको निर्वाण हुआ साथ हो, ये बड़ा दुर्लभ है। असंभव तो नहीं है, पर शायद ही कोई बिरला इस मनुष्य लोक का जीव होगा जिसे भगवान के पांचों कल्याणकों में साक्षात सहभागी होने का योग मिला होगा। लेकिन हमारे गुरुओं की कितनी बड़ी कृपा है कि तुम्हें पांचों कल्याणकों को संपन्न करने का सुयोग प्रदान कर दिया। अपने हाथों से पांचों कल्याणक संपन्न करने का योग दुर्लभ है ना। तो इस पंच कल्याणक को एक कार्यक्रम की तरह मत देखना, इस पंच कल्याणक को अपने जीवन के रूपांतरण के श्रेष्ठ अनुष्ठान के रूप में देखना। और मन बना के रखो कि ये अवसर है, मुझे खोना नहीं है। जीवन में एक बार पंच कल्याणक में सहभागिता तो होनी ही चाहिए। गृहस्थों के लिए 4 मनोरथ मुख्य है जिसे उन्हें पूर्ण करना चाहिए। अपने हाथों भगवान को विराजमान करने का, एक बार सिद्ध चक्र विधान करने का,
किसी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में सौधर्म इंद्र बनकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का और माँ बाप बनने का सौभाग्य पाने का, भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य, ये चारों महान दुर्लभ मनोरथ हैं, पूरा करने का योग बन रहा है। अब वो भाग्यशाली होंगे जो इसका फायदा उठाएंगे। ऐसे अवसरों का लाभ उठाने में कोई संकोच मत करना। जीवन में तभी हम कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं समझना कि हम स्वधर्म नहीं बने तो कुछ नहीं बने। अपने पुण्य को इतना प्रगाढ़ बनाओ कि आज मैं साधारण इंद्र की भांति भी भगवान की पूजा में बैठा हूँ तो कल साक्षात स्वधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूँ। पंचकल्याणक का स्वधर्म इंद्र तो बहुत छोटी सी बात है। तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ पुण्य का बीज पल्लवित होकर इस कदर बढ़ सकता है कि ये भक्ति का बीज अंकुरित होकर कल तुम्हें साक्षात स्वधर्म इंद्र बना सकता है। और स्वधर्म इंद्र ही क्या, आज जिनेंद्र भगवान के भक्त बने हों, कल आज जिन भक्त बने हों कल साक्षात जिन और जिनेंद्र बनने का भी सुयोग प्राप्त कर सकते। भावनाओं के ऊपर सब कुछ है। तो मैं बोल रहा था योग का प्रयोग करना सीखिए। न केवल पंचकल्याणक के संदर्भ में बोल रहा हूं, यह तो प्रासंगिक बात है सो मैंने बोल दिया। जीवन में जो भी योग मिले हैं उनका सही प्रयोग करें। अच्छा शरीर मिला है तब करो, कल बीमार हो जाओगे तो क्या करोगे। सबल हाथ पांव मिले हैं लोगों की सेवा करो, कल अशक्त हो जाओगे तो क्या करोगे। धन कमाया ये योग है, दीन दुखियों की सेवा में, मानवता की सेवा में और धर्म की प्रभावना में अपने धन का सदव्यय करो, ये उसका प्रयोग है। बुद्धि पाई है ये योग है, निज पर के हित में उसे नियोजित करो, ये उसका प्रयोग है। जो भी योग तुम्हें मिला है उसका सही प्रयोग करना है। ये धारणा अंतर मन में जमा के रखिए, मुझे चूकना नहीं है। कई कई बार लोग अच्छा योग पाते हैं और अपने प्रमाद में उसे खो देते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक जगह एक कुम्हार था, वो मिट्टी खोदने गया। मिट्टी खोदते खोदते उसे एक चमकदार पत्थर मिला। उसने पत्थर को उलट पलट कर देखा, सोचा चलो चमकीला पत्थर है, गधे के गले में बांध दे तो अच्छा लगेगा। उसने उस पत्थर को गधे के गले में बांध दिया और चल पड़ा। सामने से एक आदमी निकला, वो जोहरी था। उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी, उसने कहा ये आदमी नादान मालूम पड़ता है, ये तो बेशकीमती हीरा है, गधे के गले में बांध रखा है। उसने कहा क्यों जी ये पत्थर बेचोगे। बोले बेच दूंगा। बोले कितने में दोगे। बोले 100 रुपये में। कितने में दोगे। 100 रुपये में। बोले 100 में नहीं 50 में दे दो। बोले एक जवान बोलता हूँ, 100 रुपया में लेना है तो लो, नहीं तो गधे के गले में ही अच्छा। वो चल दिया, सोचा देखते थोड़ी देर बाद। ये आगे बढ़ गया, थोड़ी देर बाद उसी दिशा से एक दूसरा व्यक्ति गुजरा, उसकी भी नज़र उस पर पड़ी। उसने पूछा क्यों जी ये पत्थर बेचोगे। बोले बेच दूंगा। बोले कितने में। बोले 1000 में। उसने 1000 रुपये निकाले, उसको पकड़ाए और पत्थर लेके चल दिया। और पत्थर तो हीरा था। 1000 दिए और लेके चलता बना। थोड़ी देर बाद फिर पहला वाला आदमी आया, क्यों जी वो पत्थर बेच दिए। बोले बेच दिए। क्यों जी वो पत्थर बेच दिए। बोले बेच दिए। कितने में। बोले 1000 में। बोले तुम पागल हो। बेच दिए। बोले बेच दिए। कितने में। बोले 1000 में। बोला तुम पागल हो। बोले क्यों।
बोले वो तो करोड़ों का हीरा था, तुम हजार में ही बेच दिए। वो तो करोड़ों का हीरा था, तुम उसे हजार में ही क्यों बेच दिए? उसने कहा, भैया पागल मैं हूं कि तुम? मैं तो 100 की जगह 1000 पा लिया, तुम्हें करोड़ों का हीरा 100 रुपये में महंगा मिल रहा था, 100 रुपये में महंगा लग रहा था। काश तुम इसे जानते पहचानते तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही है, हीरा हाथ में है, अभी महंगा है और सस्ता हो जाएगा, है ना? ये हमारे मन का प्रमाद है जो हमारे जीवन को सफल नहीं बनने देता। अवसर आते हैं पर हम उसका लाभ नहीं उठाते हैं। हम लाभ उठाना सीखें। पिंजरा तो खुला मगर पांखें टूट गई, पिंजरा तो खुला मगर पांखें टूट गई, दिया तो जला मगर आंखें फूट गई। पिंजरा तो खुला मगर पांखें टूट गई, और दिया तो जला मगर आंखें फूट गई। क्या कहूँ तुम्हारे बदनसीबी की कथा, राह तो मिली रफ्तार छूट गई। अवसर मिले तो उसका लाभ उठाना सीखना है। एक लक्ष्य, एक ध्येय, एक मकसद, एक उद्देश्य, मुझे अपने इस नर भाव को सार्थक बनाना है। कैसे बनेगा सार्थक? बोलो, तुम्हारे पास कोई एक मूल्यवान बीज हो, उसे सुरक्षित रखना है, सार्थक करना है, तो क्या करोगे? हाँ, थैली में बंद करके रख दोगे? घुन जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। उसके लिए क्या करना है? धरती पर बो, खाद पानी दो, सिंचित करो, वो बीज अंकुरित होगा और वृक्ष का रूप धारण करेगा। एक बीज में अनेक बीज पैदा हो जाएंगे। ऐसे ही ये जीवन बीज है, इसे धर्म ध्यान की धरा में बो दो, तुम्हारे जीवन का बीज लहलहा उठेगा, जीवन सफल होगा। अन्यथा ये व्यर्थ हो जाएगा, हमारे हाथ कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमने जन्म जन्मांतरों में कुछ ऐसा ही किया है, प्राप्त अवसरों का लाभ नहीं उठाया, बाद में आखिर में जाते समय यही कहते हैं, हाय मैं कुछ कर नहीं सका। थोड़ी देर के लिए मैं आप सबसे कहता हूँ, एक प्रयोग कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए सब लोग, और सोचिए कि अभी इसी वक्त मेरी मृत्यु हो गई, तो क्या हम तसल्ली से इस दुनिया से जाने की स्थिति में हैं? इसी वक्त मेरी मौत हो रही है, मेरी अर्थी उठाई जा रही है, मेरी शव यात्रा की जा रही है, मेरे बारे में लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ हूँ? क्या दिख रहा है? देखिए क्या दिख रहा है? ये काम बाकी रह गया, वो काम बाकी हो गया, ये छूट गया, वो छूट गया, ये सब आ रहा। आंखें बंद करके देखिए, खोजिए अपने अंदर, ये एक प्रयोग है, प्रवचन तो बहुत सुनते हैं, अपने भीतर जाकर के देखने की कोशिश कीजिए। ढेर सारी बातें उभर करके आ रही होगी और मन में लगेगा एक कशक कि हाय मैं कुछ कर न सका। खोल लीजिए आंखें, अकेले में और विस्तार से देख लीजिएगा, रील तो चल गई होगी। ये बताओ कितने लोग हैं जिनके मन में आया, हाँ मर गए, सब फ्री होके जा रहे हैं, संतुष्ट हैं? कितने? थोड़ा जोर से तो उठाओ, पटना में बहुत सारी वीरांगनाएं, पुरुषों में एक भी नहीं उठा, एक उठ रहा है। कहने का तात्पर्य केवल यही है कि हम या तो जीवन के मूल को समझते नहीं, और समझ भी लेते हैं तो उसको पाने के लिए प्रयत्नरत नहीं होते। प्रयत्नशील बने, उसे पाने के लिए प्रयास करें, तब हमारा जीवन सार्थक होगा।
मृत्यु को सामने रखोगे जीवन बदलेगा। मेरी कहानी कभी भी खत्म हो जाएगी, कोई भी श्वास मेरे जीवन की आखिरी श्वास बन जाएगी, तो इससे पहले कि मेरी मृत्यु हो मैं अपने जीवन को अमृत बनाने का रास्ता चुन लूं, योग का प्रयोग करूं। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया? अल्फ्रेड नोबेल। किसके द्वारा? अल्फ्रेड नोबेल। मालूम उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव क्यों आया? अल्फ्रेड नोबेल बारूद का आविष्कारक था, डायनामाइट का। उसने एक दिन सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं मर जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो उसने एक झूठी विज्ञप्ति जारी कर दी कि अल्फ्रेड नोबेल डाइड, अल्फ्रेड नोबेल मर गया। अखबारों की सुर्खियां छपी, मौत का सौदागर दुनिया से चल बसा। हेडलाइन थी, क्या थी? मौत का सौदागर इस दुनिया से चल बसा। अल्फ्रेड ने जब यह समाचार देखा हिल गया, धिक्कार है मुझे कि इस दुनिया से जाने के बाद लोग मुझे मौत का सौदागर के नाम से जानेंगे, व्यर्थ है मेरा जीवन। और एक घटना ने उसके जीवन को बदल डाला। उसने अपनी सारी संपत्ति को एकत्रित करके शांति के लिए कर्म करने का संकल्प लिया और उससे नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई। उससे नोबेल प्राइज। तो एक पल अगर व्यक्ति अंतर्मुख होकर के सोच ले तो जीवन बदल जाता है। मैंने धन जोड़ा, संपत्ति जोड़ी, परिवार बढ़ाया, प्रतिष्ठा बढ़ाई, रसूख बढ़ाया, सब कुछ बढ़ाया, ये मेरे काम में कितना आया? तुमने धन बढ़ाया या धर्म, ये तुम्हें देखना है। तुमने संपत्ति बढ़ाई या पुण्य, ये तुम्हें देखना है। क्या मैंने किया, ये सब योग के प्रयोग से होगा। समझ गए? और फिर तीसरा शब्द है प्रेरणा, और चौथा है पुरस्कार। मुझे चारों बातें समय पर पूरी करनी। प्रेरणा लो। प्रेरणा दो तरीके से, एक उनसे जो अपने योग का प्रयोग कर रहे हैं, और एक प्रेरणा उनसे जो योग का प्रयोग नहीं कर पा रहे। दोनों से। एक भिखारी, दीनहीन भिखारी को अपने सामने रखो, और एक उदार मना सेठ को अपने सामने रखो। अगर तुम्हारे अंदर दृष्टि हो तो दोनों से प्रेरणा पा सकोगे। पहले उदार सेठ की प्रेरणा दिला दो। उदार सेठ की प्रेरणा तुम ले सकते हो कि दोनों हाथ से लुटाने के बाद भी इसकी सी संपन्नता बढ़ रही है। दुनिया में जितने उदार मना लोग होते हैं वे सतत उन्नति करते हैं। वो जितनी तत्परता से कमाते हैं उतनी उदारता से अपना द्रव्य लगाते भी हैं। वे लोग धनाढ्य होते हैं, धनांध नहीं होते। वे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं अपने आप बना लेते। बना क्या लेते? उनकी व्यवस्थाएं बन जाती। क्या किसी उदारशील व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को देखकर हमारे मन में ऐसी प्रेरणा जागती है कि मैं भी कुछ अच्छा कार्य करूं? हो सकता है कोई करोड़पति व्यक्ति करोड़ों का दान देता हो, मेरे पास करोड़ नहीं है, पर उस व्यक्ति की उस दानशीलता को देखकर तुम्हारे मन में ये भाव क्यों नहीं आता या आना चाहिए कि चलो उसके पास करोड़ों है, करोड़ों देता है, मेरे पास हजार है, हजार में मैं एक रुपया तो दे सकता हूं। यही एक रुपया कल तुम्हें करोड़ देने में समर्थ बना सकता है।
किसी धर्मात्मा को देखो, वो आज अच्छा स्वस्थ शरीर पाया है, व्रत संयम तप त्याग के मार्ग में लगा है, अब मैं हृष्ट पृष्ट होकर के भी मौज मस्ती में रमा हूँ, अरे सच्चा जीवन तो उसका है, मुझे उसका अनुकरण करना चाहिए। वह अपने पुण्य के वृद्धि में लगा है और मैं अपने पुण्य के भोग में लगा हूँ। जो पुण्य के फल का त्याग करता है उसका भाव भाव सुरक्षित होता है, और जो पुण्य के फल का भोग करता है उसका अधः पतन होता है। क्या कर रहे हो? देखो, कोई व्रत तप संयम के रास्ते पर चलता है, तुम्हारे मन में प्रेरणा जगती है कि मैं इसका अनुकरण करूं? किसी साधु महात्मा को देखते हो, वो भी तुम्हारी तरह हाड़ मांस के पुतले हैं, उनको देखकर लगता है कि इनका मार्ग अच्छा है, मैं भी इस पर चलूं? बोलो। अच्छा थोड़ा ये बताओ, हम साधुओं को देखकर तुम लोगों को क्या लगता है, महाराज का जीवन बड़ा कष्टमय है कि महाराज बड़े आनंदमय है? जोर से बोलो, थोड़ा सा और थोड़ा जोर से बोलो, आनंदमय है। तो तुम क्या चाहते हो, अपना जीवन आनंदमय बनाना नहीं चाहते? आनंदमय बनाना चाहते हो तो हमारा रास्ता अंगीकार करो ना। तुम्हें आनंद आता है जिसको ठेक में, तुमको आनंद आता है किसी मौज मस्ती की पार्टी में, वो आनंद तो अल्पकालिक आनंद है। यदि सच्चे अर्थों में तुम लोगों ने ये कहा है कि एक महाराज का जीवन आनंदमय है, तो तुम्हें चाहिए किसी भी संत के संपर्क में आओ तो प्रेरणा पाओ कि मैं इनके मार्ग का अनुकरण करूं और संत बनूं या ना बनूं, कम से कम सज्जन तो बनूं। ये प्रेरणा ले सकते हो कि नहीं? हर बड़ा और हर छोटा, हर ऊंचा और हर नीचा व्यक्ति और वस्तु परिस्थिति तुम्हें प्रेरणा देती है, पर तुम लोग बहुत कंजूस हो, लेना नहीं जानते। लो प्रेरणा, ये तो मुख प्रेरणा है, पर क्या बताएं, आप लोगों की हाल तो ऐसे चिकने घड़े हैं कि मुखर प्रेरणा का भी असर नहीं पड़ता। कहते रहो, ये दुकान में भीड़ दिखती है, सब माल खंगारने वाले, खरीदने वाले तो बहुत कम दिखते है ना, देखेंगे सब, लेना देना कुछ नहीं। अपने जीवन का भला करना चाहते हो तो योग का प्रयोग करो, और जो अच्छा प्रयोग कर रहे उनसे प्रेरणा लो, तब तुम्हारा जीवन पुरस्कृत होगा। पुरस्कार मिलेगा किसका? कल्याण का, सुख शांति का। तो ये प्रेरणा आप जगाइए, नीचे वाले से भी प्रेरणा ले सकते। एक भिखारी दिखता है ना, देख के क्या मन में आता है, अरे कैसा दीनहीन है बेचारा। मन में करुणा आती कि नहीं आती? दया भी आती है, कभी कभी दया से भर कर कुछ दे भी देते हो, और कभी कभी मन में ऐसा भी भाव आता होगा कैसा हट्टा कट्ठा भीख मांग रहा है, इसको लज्जा नहीं आती, ये तो धंधा बना लिया। ऐसे लोग भी हैं, इसलिए भाव आ जाते हैं। पर मैं तुमसे कहता हूँ, भिखारी एक भीख नहीं मांगता, भिखारी केवल भीख नहीं मांगता, तुम्हें बहुत बड़ी सीख देता है। वो क्या कहता है, भैया अपने धन संपत्ति का दान करो, सदुपयोग करो, मैंने अपने जीवन में दान नहीं दिया तो मेरी ये दशा हो गई, अब तुम अपनी सोच लो। समझ में आई कि नहीं आई बात? नहीं आई? क्या सीख दे रहा हो? आप लोग बोलते तुम एक पैसा दो वो दस पैसा देगा, तुम एक लाख दो वो दस लाख देगा। मुझे नहीं मालूम एक का दस देता है कि नहीं, पर एक के दस की सीख जरूर देता है। वो सीख लो, जिसने अपने जीवन में धर्म कर्म नहीं किया वो दीनहीन भिखारी बनने वाला है, तय है। आज जितने भी लोग भोगों भोगों में रमे हुए हैं ना, पाप पाखंड में रचे पचे हैं, सब भावी भिखारी हैं, तय मान करके चलना, सब भिखारी बनेंगे, लाइन लगेगी, चुभने वाली बात होगी। लेकिन भिखारी बनेंगे इसलिए क्योंकि वे अपनी बैलेंस शीट को बिगाड़ रहे हैं,
जो संचित लेकर आए थे उसको भोग रहे, नया कुछ अर्जित कर नहीं रहे तो भिखारी बनेंगे, नहीं तो क्या बनेंगे बोलो? कंगाल कौन होता है? जो कमाई से ज्यादा खर्चा करता हो कंगाल होता है। तुम लोग क्या हाल है बोलो? जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा गंवा रहे हो कि नहीं, भोग रहे हो कि नहीं? आमदनी चवन्नी और खर्चा 10 रुपया तो क्या होगा? अपने मन में पूछो, तुम सुबह से शाम तक कितना सुकृत्य करते हो? 24 घंटे में तुम्हारे द्वारा सुकृत्य कितना किया जाता है और पाप कितना करते हो? क्या हो रहा है? प्रेरणा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं बोलिए? ये प्रेरणा अंतर मन में जगाएं तो जीवन की दिशा बदलेगी। एक बहुत बड़ा परिवर्तन अंतर में घटित होगा, वो परिवर्तन घटित होना चाहिए, क्रांति अपने मन में आनी चाहिए, तब जीवन पुरस्कृत होगा। तो चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, किसी बीमार आदमी को देखो, उसके प्रति सहानुभूति अच्छी बात है, पर उसे देख करके, उस बीमार और असक्त व्यक्ति को देख करके एक मन में प्रेरणा जगे, अरे क्या पता कल मैं बीमार पड़ जाऊं तो कुछ करने लायक नहीं, इसलिए अभी स्वस्थ हूं कुछ अच्छा कर लूं। कर सकते कि नहीं कर सकते? आप लोग कितनी प्रेरणा लेते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, दो अपके लाओ, दो तपके लाओ, और दो अपके न तपके लाओ। आपको बोलूं अटपटा सवाल? अटपटे सवाल का उत्तर भी अटपटा ही होता है। बीरबल दूसरे दिन दरबार में गया, दो सेठ को लाया, दो सन्यासी को लाया और दो भिखारी को लाके खड़ा कर दिया। ले क्या आपके सवाल का उत्तर? आपके सवाल का उत्तर? बोले हाँ, मेरे सवाल क्या? आप अपना सवाल रखे। बोले दो आपके लाओ। उन्हें दोनों सेठों को लाके खड़ा कर दिया। महाराज जी आपके हैं, इनकी दुनिया अभी है, बस सब भोग रहे हैं, इसके बाद इनकी कहानी खत्म। ठीक, तब के लाओ। दो साधु को खड़ा कर दिया। बोले आज इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये जो तप त्याग कर रहे हैं, ये अपने भावी जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं, मर जाएंगे उसके बाद इनके जीवन का पुण्य फलेगा, ये तप के। ये भिखारियों को के लिए आए, इनने ना अभी कुछ किया ना आगे के लिए कुछ किया, इसलिए ना अब के हैं ना तप के हैं। ना अभी कुछ कर रहे हैं, पहले कुछ नहीं किया सो अब कुछ नहीं है, और अभी कुछ नहीं कर रहे सो आगे भी कुछ नहीं होगा, इसलिए ना अब के न तब के। क्या बनना चाहते हो? महाराज आप तो चौथा बोल दो, आप तो चार बोलते तो मजा आ जाएगा। हम अब के भी और तब के भी चाहते हैं। चाहते हैं ना? क्या अब के भी हो और तब के भी हो, धर्म से जुड़कर संयम के साथ जीवन जियो, अब के भी रहेंगे और तब के भी रहेंगे, जीवन तब भला होगा। वो दिशा अपने अंदर जगाइए, जीवन धन्य होगा। तो वैसी भावना अपने अंतर मन में जगनी चाहिए। एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ आने का सुयोग बना है। बहुत दिन से भावना थी सबकी, बार बार ये लोग आते थे। कौन सा मंदिर आपका? दुराला गुराला? हाँ गुराला गुरारा, रलियो रभेद, रा बोलो या ला बोलो एक ही बात है। तो गुरारा मंदिर बहुत भव्य मंदिर, मैं तो अभी देखा नहीं हूँ, देखना बाकी है, लेकिन जो चित्र देखा, बहुत अच्छी मेहनत की इन लोगों ने, खासकर ये 5-6 लोग इस मंदिर के क्रम में, भाई अशोक छाबड़ा, धीरज, सुबोध और कौन है, 2-3 का नाम नहीं जानता मैं, विकास अग्रवाल, और जो लोग बार बार आते थे, महाराज आपको पटना चलना है, पटना चलना है। 4 साल से मेरे मन में भी एक ही बात थी, एक मंदिर बन गया, उसकी प्रतिष्ठा में योग नहीं बना, चलो इसका योग बना देना चाहिए। तभी मैंने इन लोगों से कहा, ये लोग अजित लोग पहले तो बार बार आते थे, कि भाई ठीक है आप लोग देखो प्रतीक्षा करो, पर बीच में 2 बरस तो कोविड ने खा लिए, योग नहीं बना। अब लोग मुझसे बोल रहे थे, महाराज जी इतनी गर्मी में इतने दूर जाओगे? हमने कहा फाइल पुरानी, अब तो जाना ही पड़ेगा, लंबी यात्रा, लेकिन ये आप सबके भाग्य से सब कुछ सफल हो गया, बहुत आनंद सफल हो रहा है।
शांतिलाल जी जिस समय इस मंदिर की संरचना की जा रही थी उस समय शायद कमान उनके ही हाथों में थी, वही थे ना। और बहुत भव्य मंदिर इस उम्र में अपने आँखों से देख रहे हैं, दूसरी प्रतिष्ठा का भी योग बन रहा है। ऐसा योग निरंतर बनते रहे, आप सब लोग उसका लाभ उठाते रहें। आज आए हैं, आज यहाँ हैं, बाकी सारे कार्यक्रम शाम को आपको बता दिए जाएंगे, कुछ और योग न बन जाए। और योग योग बनते हैं, प्रयोग होता रहता है और हम उस सब का लाभ उठाते रहते हैं, ये प्रयास करना है। बस अभी आपको ये सुनिश्चित करना है कि हमारे सामने जो पंचकल्याणक है, इस पंचकल्याणक में बढ़ चढ़ करके हमारी भागीदारी होगी। हमें अपनी हिस्सेदारी अच्छे से संपन्न करना है ताकि इस अनूठे अवसर का भरपूर लाभ उठा सकें। आपकी जो प्रक्रिया है, मैं तो बोलियां पसंद करता नहीं। हमारे सानिध्य में बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं, बिना बोलियों के ही लोग बोल देते हैं। अभी आप लोगों के ऊपर है, ये आपका विषय है, मेरा विषय नहीं। हमारा काम तो केवल सानिध्य देने का है और धार्मिक विधि विधान में जो हमारी भूमिका उसे करना है। और आपके पास एक नहीं दो दो प्रतिष्ठाचार्य हैं, ब्रह्मचारी अभय भैया जी कई दिनों से आप सबके बीच हैं, आप सब देख रहे हैं उनकी कुशलता का, बहुत अच्छे से निर्देशन देके काम करते हैं। और ब्रह्मचारी संजय जी मुरैना ये भी एक बहुत कर्मठ और समझ विधि विधान के ज्ञाता विद्वान हैं, प्रतिष्ठाचार्य हैं। सुदर्शन जी तो यहाँ है ही, इन सब के मार्गदर्शन में आप सब काम करें। इतना जरूर कहूँगा, एकजुटता की जरूरत है, पूरी समाज उत्साह के साथ जुटे इस महाअनुष्ठान में, भगवान के पंचकल्याणक में। जब तीनों लोक के देव आते हैं, सब शामिल होते हैं, तो इस भगवान की प्रतिष्ठा का सुअवसर मुझे मिला है, मेरे द्वारा कोई कमी शेष नहीं रहनी चाहिए, ये भाव हो। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े, मैं चाहूँगा समाज के युवाओं से भी एक बार रूबरू होना चाहूँगा। आज ही रखा है, कल रखा है, आज रखा है, कब रखा है, शाम को, ठीक है। तो युवा लोग भी बहुत उत्साहित होकर आगे आए, महिलाएं तो यहाँ बहुत एक्टिव है। आज आप लोगों ने बहुत अच्छी श्रद्धा भक्ति का परिचय दिया है, ऐसी भावना हमेशा देते रहना चाहिए। देव शास्त्र गुरु हमारे आस्था के आधार हैं, इनके प्रति हमारा रोम रोम समर्पित होना चाहिए। और पटना की जैन समाज पूरी तरह से देव शास्त्र गुरु की अनुचरी समाज रही है, भक्त समाज रही है। मैं भावना भाता हूँ, ये भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, और आप सब अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आपके इस पंचकल्याणक को प्राप्त हो गया है, पहले ही हो गया था और भी हो गया है, सानंद संपन्न होना है। और उसके लिए आप सबको अपने भीतर की भूमिका तैयार करनी है। अब समय ज़्यादा नहीं है, अपने आप को केवल तैयार करके जुट जाना है, उत्साह का परिचय देते हुए आगे बढ़ना है। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम, बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।